हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद ने यूज़ की है और ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए है। इसमें हमारा टाइम बचता है, हमारी मेहनत बचती है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। उसका नाम है उषा फूड प्रोसेसर। इसका आप कोड भी नोट कर लीजिए आपको परचेस करना हो तो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत बहुत अलग अलग अटैचमेंट दिए हैं। ये सभी अटैचमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ में, और ये किचन के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। ये हम चॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल स्लाइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम पार्टीज़ हो तभी यूज़ कर सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं। इसमें अलग अलग जार दिए हुए हैं, इसमें हम इसमें होटल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी डो बनाना हो, कम भी डो बनाना हो, इसमें बन सकता है। इसमें क्लीनिंग भी बहुत ही कन्वीनियंटली हो जाती है, श्रेडिंग छोटी बड़ी सभी प्रकार की श्रेडिंग इसमें होती है, और इसमें हम घर पे फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं। ये इसके लिए अलग से अटैचमेंट दिए उन्होंने। डो बना सकते हैं किसी भी बिस्किट्स का, नान खटाई का, इसमें 3 लेयर्स दिए हैं, उसमें हम ये डो सॉफ्टली बना सकते हैं। हार्ड बनाना हो तो हार्ड भी बना सकते हैं, और ये डो बनाने के हम बिस्किट बना सकते हैं, उसके स्मूदीज़ बना सकते हैं जो नट्स से बनती है। और ये देखिए कितनी कन्वीनियंटली बन जाता है, कुछ ही सेकेंड्स में ही इसमें काम हो जाता है। हम इडली डोसा के बैटर्स भी बना सकते हैं, इसमें उसकी चटनी बन सकती है, उसके लिए भी उन्होंने अलग से जार दिया हुआ है। बहुत ही कन्वीनियंट है ये। विस्किंग से हम व्हीप क्रीम जो आइसक्रीम पे, केक पे डालते हैं, हम उसको सेल भी कर सकते हैं घर पे व्हीप क्रीम बना के। ये बहुत ही कन्वीनियंट फूड प्रोसेसर है, इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आपको इसको परचेस करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, उसमें से आप परचेस कर सकते हो। ये देखिए मैं डेली में यूज़ करती हूँ, ये मेरा खुद का फूड प्रोसेसर है। इसको परचेस करना हो तो लिंक में जाके देखिए, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये ज़रूर परचेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।